हेलो बच्चा पार्टी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मेनिया इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस सेक्शन ए ऑफ बेसिक मैथ्स गाला पेपर सिक्स और इसी के साथ आपके छः के छः पेपर के सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन द लाइन रिप्रेजेंटिंग एक आपको इक्वेशन दिया है लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट थी एक्स एक्सिस ये जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे चलिए ये हमारा जैसे कि एक्स एक्स एक्सिस 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 और ये वाई है है कोई एक लाइन जो पे इंटरसेक्ट कर रही है अगर ये लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है तो हमें पता है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो ठीक है तो हमें यही फाइंड करना है कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है तो ये हमें पता होना चाहिए यहाँ पे लिखेंगे हियर लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सीस सो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा जीरो तो यहाँ पे वाई की जगह पे हम जीरो रख लेंगे फोर एक्स प्लस थ्री जीरो इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सो फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा सिक्स सो कोऑर्डिनेट क्या मिले हमें सिक्स जीरो सो so, कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन क्लियर है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ध्यान देना six plus six plus six का root. तो हम क्या मान लेंगे सबसे पहले इसको ले लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स नाउ अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां पे ऐसे हो जाएगा सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स का स्क्वायर नाउ हमें पता है कि ये स्क्वायर ये स्क्वायर रूट कट ठीक है तो देखिए सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर स्क्वायर रूट गया तो ऊपर बचा सिक्स प्लस बाकी के स्क्वायर रूट तो एज इट इज रहेंगे एंड सो so अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो ये किसकी वैल्यू थी बेटा एक्स की तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स इज़ इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स ठीक है ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो एक्स माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो नाउ सिक्स वन साई करेंगे सिक्स के दो फैक्टर्स टू एंड थ्री तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो सो एक्स कॉमन एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो सो एक्स इज इक्वल टू थ्री और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस टू बट हमें पता है कि कभी भी कोई वैल्यू का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा थ्री सो थ्री इज द राइट ऑप्शन सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन क्लियर है फॉर अ गिवन एपी ए एन इज इक्वल टू एट एन प्लस टर्म मतलब मुझे ट्वेंटी ठीक है तो यहाँ पे हमें ट्वेंटी मिल जाएगा क्या किया मैंने इंस्टेड ऑफ एन आई हैव टू पु ट्वेंटी सो एट इन टू ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी एट सिक्सटी प्लस थ्री सो वन सिक्सटी थ्री इज द राइट ऑप्शन तो ट्वेंटी टर्म क्या मिला मुझे वन सिक्सटी थ्री ठीक है सो सी इज द राइट ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इफ पी ऑफ टू फोर क्यू ऑफ जीरो थ्री आर ऑफ थ्री सिक्स एंड एस ऑफ फाइव आई आर दर्टाइसिस ऑफ पैलोग्राम हमें क्या फाइंड करना है वैल्यू ऑफ वाई तो हमें पता है इससे पहले भी हम यही गाला पेपर सेट में ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं तो so नाउ हमें पता होना चाहिए यहां पे पी क्यू आर एस की पैलोग्राम के मिड पॉइंट्स क्या होते हैं इक्वल डायगोनल के मिड पॉइंट्स क्या होता है बेटा इक्वल तो यहां पे लिख लो टू फोर यहाँ पे लिख लेते हैं जीरो थ्री थ्री सिक्स एंड फाइव वाई तो डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे अभी ऑब्जेक्टिव है तो कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल कौन सा है क्यू एस इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ पी आर ना मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है हमें एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू फाइव प्लस जीरो डिवाइड बाई टू वाई प्लस थ्री डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा टू प्लस थ्री डिवाइड बाई टू देन फोर प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू देखो फाइव बाई टू वाई प्लस थ्री डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू फाइव बाई टू फोर प्लस सिक्स टेन डिवाइड बाई टू ठीक है तो चलिए x का x के साथ y का y का के साथ हमें तो y की वैल्यू चाहिए तो y कोऑर्डिनेट की कंपेयर कर लो इक्वल टू के दोनों साइड इक्वल इक्वल चीज है कट सो so y इज इक्वल टू टेन माइनस थ्री सो y क्या मिलेगा बेटा सेवन तो वाई की वैल्यू क्या मिली मुझे सेवन सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ध्यान देना व्हाट वी हैव गिवन बेटा ए थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर एंड हियर वी हैव गिवन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे तो हमें फाइंड क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर दू ठीक है तो मुझे ये जो ए एंड बी है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिलेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिक्स ठीक है हम चलिए यहाँ पे लिख लो ए स्क्वा टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिक्सटीन नाइन थ्री का स्क्वायर क्या होगा बेटा नाइन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं हम इससे क्या बेनिफिट हुआ ये टू ए बी टू ए बी वाला कट क्योंकि दोनों सिमिलर ही है ठीक है साइन थीटा 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 कॉस कॉस साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहां पर क्या बचा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा सिक्सटी नाइन प्लस सॉरी सिक्सटीन प्लस नाइन क्या होगा बेटा ट्वेंटी फाइव दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है ए स्क्वायर तो हमें पता है कि प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा सो ए स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर इंटू वन इज इक्वल टू क्या होगा ट्वेंटी फाइव तो हमें वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वल टू ट्वेंटी करेक्ट ऑप्शन ठीक है क्या हिंट लगाई हमने यहाँ पे देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र वी तो दोनों जगह पे हमने स्क्वायर अप्लाई कर लिया और फिर दोनों को एड कर लिया क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनस था अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमें क्या करना पड़ता सब्ट्रैक्ट करना पड़ता ठीक है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मीन ऑफ ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन इज थर्टी एट यहाँ पे ये भी थोड़ा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ध्यान देना तो जो दिया है वो लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ट्वेंटी एंड n इज इक्वल टू तो दिया है थर्टी एट ठीक है तो सबसे पहले इस पे से हम सिग्मा एक हैं। तो एक्स आई फाइन करते x बार इज इक्वल टू तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन ठीक है वेर एक्स बार क्या दिया है मीन क्या दिया है ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन क्या है ठीक है मीन ऑफ ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन यहां पे देखो आपको एन दिया जो है वो ट्वेंटी है और एक्स बार जो है वो क्या है थर्टी एट तो मीन ऑफ ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन तो एन इज इक्वल टू ट्वेंटी एक्स बार क्या है बेटा थर्टी एट तो यहां पे लिख लो थर्टी एट सिग्मा एक्स आई अपॉन ट्वेंटी सो so, सिग्मा एक्स आई क्या होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 38 एट टू जा एट टू जा सिक्सटीन सेवन सिक्सटी चलिए आगे का स्टेटमेंट रीड करते हैं सिक्स इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन ठीक है हमें क्या करना है सिक्स इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन हर एक ऑब्जर्वेशन में हम सिक्स को ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो सिग्मा एक्साइट था वो अभी क्या हो जाएगा New sigma is equal to 760 plus 6, कितने ठीक ठीक है है तो यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद क्या बोला है एंड देन ईच रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय फोर हर एक रिजल्ट को हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं फोर से डिवाइड कर रहे ठीक है तो यहां पे लिखेंगे कि 880 एटी डिवाइड बाई फोर टू ठीक है देन द मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड करना है न्यू ऑब्ज न्यू मीन तो न्यू मीन क्या होगा तो न्यू सिग्मा एक्स आई अपॉन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर होते हैं ठीक है तो न्यू सिग्मा एक्स क्या आया बेटा मेरा टू ट्वेंटी डिवाइड बाय मेरे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे ट्वेंटी जीरो जीरो कट इलेवन तो मेरा जो न्यू मीन मिला वो क्या मिला इलेवन सो इलेवन इज द करेक्ट ऑप्शन फिर से ध्यान दो क्या किया सबसे पहले हमें बोला था कि ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन का मीन थर्टी एट है तो हमने जो ओरिजिनल सिग्मा एक्स आई था वो फाइंड किया फिर क्या बोला कि हर एक ऑब्जर्वेशन में हम कितना ऐड कर रहे हैं सिक्स हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन सर ट्वेंटी तो ट्वेंटी में सिक्स एड करेंगे तो ट्वेंटी तो टोटल कितना ऐड होगा वन ट्वेंटी किसके अंदर सेवन सिक्सटी के अंदर, अंदर. फिर बोला है कि हम हर एक को किससे डिवाइड कर रहे हैं फोर से तो जो एट एटी था उसको हमने फोर से डिवाइड कर दिया मिला टू ट्वेंटी ये मिला क्या न्यू सिग्मा सिकमा तो न्यू मीन इज इक्वल टू क्या होगा न्यू सिग्मा एक्स आई अपॉन ऑब्जर्वेशन तो क्या थे हमारे 20 एज इट इज तो टू ट्वेंटी डिवाइड बाई ट्वेंटी क्या मिला बेटा न्यू मीन 11 ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन फिल इन द ब्लैंक्स रूट नाइन माइनस रूट सेवन इंटू रूट नाइन प्लस रूट सेवन नाइन्थ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये ए माइनस बी इंटू तो दैट इज ए स्क्वायर ठीक है स्क्वायर स्क्वायर गया नाइन गया माइनस सेवन तो नाइन माइनस सेवन आंसर क्या राइट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल है वाई तो हमें ये देखना है कि हमारा ग्राफ वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक दो तीन एंड चार तो यहाँ पे जीरोस क्या होंगे फोर जीरोस क्यों क्योंकि राइट हैंड साइड पे पी ऑफ वाई दिया था तो हमने वाई एक्सिस चेक किए ठीक है तो वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ फोर पॉइंट से तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा नंबर ऑफ जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट सर्टेन इवेंट मतलब क्या होता है श्योर sure इवेंट और श्योर sure इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है One, ये तो स्टेटमेंट ही था चलिए नेक्स्ट वन अपॉन साइन स्क्वार माइनस वन ये हमें पूछा है तो कॉसा माइनस वन क्या होता है बेटा कोट थीटा तो यहां पे क्या आएगा आंसर कॉट स्क्वार थीटा आइडेंटिटी है ये तो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल चलिए पॉइंट ए को हमने एक्सटीरियर पॉइंट पे दिखा दिया एंड अ टेंजेंट फ्रॉम ए टच इज द सर्कल एट बी एक टेंजेंट बनाया जो सर्कल को कहां पर टच कर रहा है बी पे इफ पी ए इज इक्वल टू नाइंटी ट्वेंटी नाइन ठीक है एंड ए बी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन दैन द डाया मीटर ऑफ द सर्कल तो अगर मुझे रेडियस मिल जाए तो रेडियस का डबल क्या होता है डाया मीटर एंड जब भी बात आए टेंजेंट की तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू थियरम टेन पॉइंट वन रेडियस जो है वो टेंजेंट को क्या होती है पर पेंडिक्यूलर तो ये जो ट्राइंगल बनता है वो क्या बनता है राइट एंगल ट्राइंगल तो यहाँ पर लिखेंगे हम इन ट्राइंगल पी ए बी एंगल बी इज इक्वल टू नाइंटी सो बाई पाइथागोरस क्या होगा बेटा पीबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर ठीक है पीबी वी हैव टू फाइंड ए बी ट्वेंटी वन

सो आंसर इज फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है क्या आएगा बेटा फोर्टी सेंटीमीटर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एम इज इक्वल टू फिफ्टीन एक्स बार इज इक्वल टू एटीन तो जेड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फॉर्मूला हमें पता है जेड इज इक्वल टू थ्री एम माइनस टू एक्स बार तो थ्री मीडियम क्या दिया है फिफ्टीन माइनस टू एक्स बार क्या दिया है एटीन फिफ्टीन थ्री झा फोर्टी फाइव एटीन टू झा थर्टी सिक्स ठीक है तो फिफ्टीन नाइन ठीक है तो मोर क्या मिला बेटा नाइन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन एच सी एफ ऑफ थर्टी टू एटी वन इज इक्वल टू वन ये हमें पूछा है ट्रू फॉल्स के बारे में ठीक है तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि थर्टी टू और एटी वन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है देख लेते हैं टू सिक्सटीन जा टू एट जा टू फोर जा टू टू ज़ा टू वन जा और यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिख लेते हैं थर्टी टू क्या होता है टू रेस टू फाइव एटी वन क्या होता है थ्री रेस टू फोर दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो एच सी एफ क्या आएगा वन और हमें यहाँ पे वन ही दिया है तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू चलिए नेक्स्ट जीरो पोलिनोम पी ऑफ एक्स तो यहाँ पे ध्यान दो क्या करना है हमें ये चेक करना है कि ये इसका जीरो है कि नहीं यहाँ पे तो आपको बोला है कि जीरो तो की जगह पे क्या रखूंगा बेटा मैं? Six, six का स्क्वायर माइनस सेवनटीन इंटू सिक्स प्लस सिक्सटी सिक्स सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स सेवनटीन सिक्सरेड टू प्लस सिक्सटी सिक्स ये दोनों का एडिशन दैट इज ऑल्सो वन हंड्रेड टू माइनस वन हंड्रेड टू जीरो ठीक है मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सिक्स तो यस सिक्स इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा ट्रू ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं इफ थ्री ए इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन तो ए की वैल्यू क्या आएगी टू कैसे चेक करेंगे यहाँ पे बोला है थ्री इसका सॉल्यूशन है तो एक्स की जगह पे मुझे रखना है थ्री और वाई की जगह पे रखना है ए और अगर ए की वैल्यू टू मिलती है तो स्टेटमेंट क्या आएगा ट्रो चलिए देखते हैं तो फोर एक्स की जगह पे क्या रखूंगा बेटा थ्री माइनस वाई की जगह पे a इक्वल टू टेन फोर थ्री इज आर ट्वेल्व माइनस ए इज इक्वल टू टेन ये ट्वेल्व को इस साइड ले लो सो माइनस ए इज इक्वल टू टेन माइनस ट्वेल्व सो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टू ठीक है माइनस माइनस कट फ्रॉम बोथ साइड सो इज इक्वल टू टू तो हमें एक की वैल्यू क्या मिली टू यस तो गिवन स्टेटमेंट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द प्रोबेबिलिटी दैट राइना रॉना द मैच इज जीरो पॉइंट फोर्टी एट देन द प्रोबेबिलिटी दैट राइना डज नॉट विन द मैच डज नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चेक करना है तो अगर मैं ये देख लू की दोनों का एडिशन वन हो रहा है मतलब गिवन स्टेटमेंट क्या है ट्रू क्योंकि कोई भी मेन इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का एडिशन क्या होता है वन चलिए ऐड करके देखते एट प्लस टू फाइव प्लस फोर नाइन प्लस वन टेन कैरी वन तो ये मिला वन तो यस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू ठीक है क्योंकि मेन इवेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मिलके क्या बनता है वन ठीक है तो गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा ट्रू

डी क्या होगा बेटा फाइव तो इलेवन नाइनटीन फाइवी फाइव फाइव प्लस वन 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 सिक्स सिक्स नाइन प्लस टेन जीरो तो ट्वेंटी क्या मिलेगा वन जीरो सिक्स ठीक है चलिए आज के क्वेश्चंस तो बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर एटीन इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट ए पी टू अर्कल विथ सेंटर ओ सर्कल का सेंटर ओ ठीक है ए एंड बी तो पी एंड पी बी आर टेंजेंट ठीक है इंक्लाइन इच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री कितने एंगल पे 80 डिग्री पे नाउ हमें यह बोला है कि फाइंड क्या करना है पीओ ए ये एंगल फाइंड करना है ठीक है तो ऐसा और इक्वेशन हम ऑलरेडी आगे के पेपर में कर चुके हैं हमें पता है कि ए पी बी और ए बी मिला के क्या होंगे सप्लीमेंट्री ठीक है यहां पे लिख लेते हैं एंगल ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू क्या होगा 180 एटी बिकॉज बोथ आर सप्लीमेंट्री ऑलरेडी हम ये टेन में प्रूव कर चुके हैं ठीक है ठीके? और आंसर इन वन वर्ड में आपको मेथड दिखानी होती नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे इजीली हो जाएगा ये 180 एटी एंगल एओ बी इज इक्वल टू क्या होगा हंड्रेड चलिए ये पूरा मिला मुझे हंड्रेड नाव मुझे पता है कि बोथ आर अदर. तो ये जो एंगल होगा पीओ ए इज इक्वल टू क्या होगा पीओबी तो यहां पे मैं लिख सकता हूँ एंगल पीओ ए प्लस पीओबी इज इक्वल टू एंगल एओ बी दोनों एंगल तो इक्वल है हमें फाइंड करना है पीओ ए तो POA प्लस POA इज इक्वल तू 100 तो टू एंगल POA इज इक्वल तू 100 सो so, एंगल POA क्या होगा बेटा 50 डिग्री ठीक है तो ऑलवेज याद रखना है ये दो सप्लीमेंट्री है और ये जो एंगल होगा उसके ये दोनों क्या होंगे बेटा हाफ तो POA क्या मिला हमें 50 डिग्री चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इफ पी ऑफ ए रेशियो पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू टू रेशियो सेवन फाइंड पी ऑफ ए बार तो ऐसा क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो देखो पी ऑफ ए बार कैसे लिखेंगे बात हो रही है पी ऑफ ए बार की तो पी ऑफ ए बार के कारस्पॉन्डेंट क्या है सेवन ठीक है और नीचे क्या लिखना है दोनों का एडिशन सेवन प्लस टू नाइन तो पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू सेवन अपॉन नाइन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन if the mean of first n natural number is 5n upon 9 mean aapko diya hai kitna 5n upon 9 hame find karna hai n ki value acha question hai dhyan dena to dekho x bar is equal to kya hota hai beta sigma xi upon n that is sum of observation कितने sum of कितने number का sum of observation लेना है first n natural number मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन अपॉन एन एक्स बार क्या दिया है मीन क्या दिया है फाइव एन अपॉन नाइन नाव अगर मैं देखूं तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा सम ऑफ एन नंबर का एन बाई टू ए प्लस ए एन अपॉन एन यहाँ पे होगा फाइव एन अपॉन नाइन नाव एक ही जगह पे क्या रखूंगा वन एन टर्म्स का फाइंड करना है तो एन बाई टूज इट इज यहाँ पे वन और लास्ट टर्म क्या है एन अपॉन एन 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 कट सो फाइव एन अपॉन नाइन इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू ये यहां पे ये यह यहाँ पे जाएगा तो देखो फाइव टू जा टेन एन नाइन एन प्लस नाइन वन जा 9 9 का मल्टीप्लिकेशन n के साथ भी होगा 1 के साथ भी होगा ठीक है चलिए 10n 9n दैट इज n 9 तो n की वैल्यू क्या मिली बेटा 9 n 9 ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैच द फॉलोइंग क्या बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो टॉय तो 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 जो है वो कौन प्लस हेमिस्फीयर से बना है तो देखो कोन का एरिया क्या होता है कौ सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है टू पाई आर स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कॉमन क्या निकल रहा है पाई आर तो बचा क्या एल प्लस टू आर ठीक है तो ट्वेंटी वन के सामने क्या आएगा बी ठीक है ट्वेंटी वन का आंसर क्या आएगा बेटा बी नाउ बात करें ट्वेंटी टू की टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड तो सॉलिड किससे बना हुआ है सिलेंडर ऊपर भी हेमिस्फीयर और नीचे भी हेमिस्फीयर ठीक है तो चलो यहां पे इक्वेशन बना के देखते हैं टू पाई आर एच प्लस टू मल्टीप्लाई दो हेमिस्फीयर है इसलिए क्या किया हमने टू मल्टीप्लाई किया ठीक है तो यहां पे देखो टू पाई आर एच प्लस फोर पाई आर स्क्वायर कॉमन क्या निकल रहा है टू पाई आर टू पाई आर कॉमन ले लो बचा क्या एच प्लस टू आर ठीक है तो देखो कौन सा है ट्वेंटी टू में क्या आएगा बेटा ऑप्शन ए ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हमें पता है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है तो 23 के सामने क्या आएगा C यहाँ पे लिख लो 23 के सामने C पैरीमीटर ऑफ अ माइनर सेक्टर तो माइनर सेक्टर की पैरीमीटर का इक्वेशन है L प्लस आर टू आर ठीक है L प्लस क्या होता है टू आर और L क्या होता है मेरा पाई आर थीटा अपॉन वन ये आपकी टेक्स्ट बुक में इक्वेशन नहीं है बट आपको याद रखना है ठीक है पैरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बेटा टू आर प्लस एल और एल क्या होता है pi थीटा theta वन एटी तो देखिए ऑप्शन ए आपका टू आर प्लस पाई आर थीटा अपऑन वन एटी तो इसी के साथ आपका पेपर सिक्स का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ और जैसे ही आपके गाला पेपर सेट कंप्लीट होते हैं वी विल डिस्कस लिबर्टी पेपर सेट तो आपको अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है तो बोर्ड एग्जाम तक हम um, ऑलमोस्ट सारे पेपर के सेक्शन ए कंप्लीट कर देंगे ठीक है क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम रहती है वो किस में आती है बेटा सेक्शन ए में तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू स्टूडेंट्स